शिक्षा विभाग में व्याप्त अनियमितता और फर्जीवाड़े की जांच की कराने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहे फर्जीवाड़े के जांच की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना था कि इस शासन के लाख कोशिशों के बाद भी बेसिक शिक्षा में अभी भी सैकड़ों अमान्य विद्यालय चल रहे हैं जिनकी मान्यता नहीं है। इसके अलावा विभाग में कई लिपिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं जिसकी जाँच होनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व पीसीसी सदस्य तौकीर आलम ने कहा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्टाचार दूर करो दूर करो दूर करो। तौकीर आलम, प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पीसीसी सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मंडल आयुक्त जी के वहाँ आज हम लोग जो हैं कांग्रेसजन जो हैं एक्टिव होकर के यहाँ पर जो है पहले सूचित करके जो आज इनको ज्ञापन दिया जा रहा है। शिक्षा के अंदर जो जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार को जो है कैसे ख़त्म किया जाए ये एक शोचनीय एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। बगैर मान्यता के जो है स्कूल का संचालन हो रहा है उस पर जो है सरकार मौन है बैठी हुई है और उस पर किसी भी तरह का कोई भी जो है अंकुर उस पर लगाने के जो है उसमें मूड में हमको नहीं दिख रही है। हम ये यहाँ तक देख रहे हैं कि वहाँ पे एक दिनेश चंद जी हैं। दिनेश चंद जी का जो हाल है वो पूरा जो है शिक्षा विभाग जान रहा है। शिक्षा अधिकारी के वहाँ जो है शिक्षा अधिकारी के वहाँ दिनेश जी हैं, पहले क्लर्क हैं वहाँ, पहले दिनेश चंद श्रीवास्तव हुआ करते थे वो भी उसमें लिप्त थे, अब दिनेश चंद जी हैं वो भी उसी के अंदर लिप्त हैं। मतलब वहाँ की जो सीट जो कुर्सी है उस कुर्सी को पाने के बाद जो है ये लोग मनमानी ढंग से जो है अपनी व्यवस्था पर जो है शिक्षा को चलाने का कार्य कर रहे हैं। जो मानक के अनुरूप होना चाहिए वो कोई काम जो नहीं हो रहा है। जहाँ स्कूलों के अंदर जिन बच्चों को जो है जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए कागज़ों के ऊपर जो है सारी चीज़ें हैं और हकीकत अगर देखी जाए तो कोरे कागज़ की तरह एकदम साफ है, कहीं कोई चीज़ दिख नहीं रही है। जिन बच्चों का एडमिशन होना चाहिए जिन बच्चों के लिए जो है जो सरकार ने एक मानक तय किया है मानक के जो है अनुरूप ये लोग काम कर रहे हैं। सरकार का कोई मतलब ही नहीं कोई मानी नहीं है, ये अपने हिसाब से अपनी सरकार को ये चला रहे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर जो है और पैसे का जो है लेन देन पूरी तौर पे खुलेआम जो है यहाँ पे एक नंगा नाच है जो शिक्षा के अंदर जो है चल रहा है। इसकी व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है इसको सरकार को देखना चाहिए लेकिन सरकार देख नहीं रही है। इसी को लेकर के आज मंडल आयुक्त को कांग्रेस जन आकर के जो है इनको ज्ञापन सौंपा जा रहा है।